हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको भारतीय सेना के शारीरिक मापदंडों को पूरा करना होता है, क्योंकि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए किसी भी उम्मीदवार का मानसिक के साथ साथ उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरी नौकरी की तुलना में इंडियन आर्मी की नौकरी में फिजिकल टेस्ट ज़्यादा होता है। तो अब इन सब को हम डिटेल में समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप लोग इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो या नहीं। इतना मुझे आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों का 10th या 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही उम्मीदवार के शरीर में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर या कोई हड्डी आपकी टूटी हुई है तो आप इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते हैं। और इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की जो उम्र होती है वो कम से कम 17 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 21 वर्ष होनी चाहिए। सैनिक पद के लिए यानी कि सैनिक पद के लिए आपकी उम्र 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष होनी चाहिए और दूसरे पदों के लिए आपकी उम्र 23 वर्ष होनी चाहिए। अगर हाइट की हम बात करें तो इंडियन आर्मी में आपकी जो लंबाई होती है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट यानी कि आपका वजन 50 केजी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी योग्यता इंडियन आर्मी में जाने के लिए। और अब हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी में जुड़ने के लिए आवेदन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप इंडियन आर्मी के लिए आवेदन करने और इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.joinindianarmy.nic.in। तो इस वेबसाइट को आप अपने ब्राउज़र में ओपन करें और एक बार इसे विजिट जरूर करें। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है और आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, भारतीय सेना में चयन प्रक्रिया जो है वो 3 तरीकों से होती है, यानी कि इंडियन आर्मी में 3 तरीकों से आपकी चयन प्रक्रिया हो सकती है। और पहली इसमें आती है फिजिकल टेस्ट, यानी कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। इन दोनों टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर बाद में आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ये तीनों क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन करने के बाद सबसे पहले उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, यानी कि अगर आपने इंडियन आर्मी के लिए आवेदन कर लिया है तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार को लंबी कूद, ऊँची कूद, दौड़, थ्रो जैसे कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं और सभी टेस्ट के अलग अलग नंबर आपको दिए जाते हैं और उम्मीदवार जिस टेस्ट में जैसा प्रदर्शन करता है उसके उतने ही नंबर जुड़ते जाते हैं। और इसमें उम्मीदवार को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट और 41 सेकंड के अंदर पूरी करनी होती है। तो अगर आप लोग ये दौड़ पूरी कर सकते हैं तो आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों मेडिकल टेस्ट। तो दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में पास हुए उम्मीदवार को अगले चरण यानी कि मेडिकल टेस्ट के लिए चुना जाता है। अगर आपने अपना पहला फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है तो फिर आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है और इसमें उम्मीदवारों की आंखों की जांच की जाती है और साथ में उनके कान, उनकी आवाज़ और खून का ग्रुप और कई सारी चीज़ें पता लगाई जाती है और उनकी जाँच की जाती है। और अगर उम्मीदवार के शरीर में कभी भी कोई फ्रैक्चर हुआ पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को भारतीय सेना में भर्ती नहीं किया जाता, यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है या आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है तो आपको मेडिकल टेस्ट में फेल दिया जाएगा और आप भारतीय सेना में नहीं जा पाओगे। दोस्तों, इन दोनों परीक्षा के बाद आपकी लास्ट परीक्षा आती है, जो कि लिखित परीक्षा ली जाती है। दोस्तों, ये भारतीय सेना में भर्ती होने की आपकी लास्ट एग्ज़ाम होती है। आगे की दोनों परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जो कि 100 मार्क्स की होती है और इसमें 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है, यानी कि 100 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है एग्ज़ाम लिखने के लिए। और लास्ट में सभी परीक्षा में सफल घोषित होने वाले उम्मीदवारों को उनके मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनाई जाती है और उसमें से चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय सेना में भर्ती कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आखिरी परीक्षा। अगर इसमें आप पास कर लेते हैं तो आप भारतीय सेना में भर्ती हो जाओगे।
तो दोस्तों अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी के जवान की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के जवान की सैलरी 5,200 रुपये महीना से लेकर 20,200 रुपये महीना तक की हो सकती है, और आर्मी के सभी पदों के लिए ये सैलरी अलग अलग भी होती रहती है और इसमें अलग अलग निर्धारित भी की गई है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली सैलरी की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि आप इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में कैसे भर्ती हो सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें।